हिंदू धर्म में नरसिंह जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन भगवान की कृपा पाने के लिए यदि कुछ खास भेंट करी जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं। नरसिंह भगवान भगवान विष्णु के एक चतुर्थ अवतार में से कहे गए, 10 अवतारों में से एक अवतार चतुर्थ अवतार है उनका, तथा भगवान नरसिंह क्रोध स्वरूप में कहा गया है, जो कि भक्त प्रहलाद की आराधना पर भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, और जो कि इनका क्रोधी स्वरूप कहा गया है। और भगवान नरसिंह देवता हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले भी देवता कहे गए हैं। अगर उनको प्रसन्न किया जाए, उनका क्रोध शांत किया जाए, तो हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। तथा इस बार नरसिंह जयंती जो है 21 मई की पड़ रही है, और रवि नक्षत्र में या रवि योग में यह आ रही है, और इसमें भगवान नरसिंह जी का पूजन करने पर अनेक प्रकार का लाभ होता है। भगवान नरसिंह जी का पूजन कच्चे दूध से किया जाए तो उससे बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान नरसिंह अवतार, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तथा जिसे की कुंडली में काल सर्प योग है और अनेक प्रकार से ज्योतिष भी इसका हल नहीं निकाल पा रहा है, वो कोई हल न निकल रहा हो, तो मोर पंख भगवान नरसिंह जी को अर्पित किया जाए, जिससे काल सर्प दोष भी खत्म में शांति मिलती है, था उसका निवारण कहा गया है। तत्पश्चात भगवान नरसिंह जी को भोग स्वरूप में दही का भोग लगाया जाए, जिससे वो शीतल हो गए, ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाए, तथा ठंडे जल से उनको स्नान करवाया जाए तो वह बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसी प्रकार भगवान नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने के लिए ठंडी वस्तुओं का तथा उनके क्रोध को शांत करने के लिए ठंडी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, उन्हें स्नान आदि उनका पूजन किया जाए, उनकी आराधना की जाए भक्ति स्वरूप, तो वह हर बाधाओं को नष्ट करते हैं तथा सुख सम्मति आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार नरसिंह जयंती का पूजन किया जा सकता है और भगवान नरसिंह जी को प्रसन्न किया जा सकता है।